फ्रेंड्स, भिंडी की यम्मी रेसिपी, इसके लिए हम सबसे पहले प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से थोड़ी देर 5 मिनट जब तक इसके कलर चेंज ना हो भून के निकाल लिए। उसके बाद भिंडी को डालें, उसमें नमक डालें, हल्दी डालें। अब इसको हम 5 मिनट भून लेंगे, थोड़ी सी ये नरम हो जाए। फिर इसमें हम ये जो प्याज और टमाटर को हम इसमें भून के ठंडा करके उसको हम मिक्सी की जार में अच्छी तरह से घुमा लेंगे, उसके पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद भिंडी मेरी नरम हो गई है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। अब हम इस भिंडी को निकाल लेंगे, निकाल के सारे भिंडी को थोड़ी सी ऑयल में जीरा चटकाएंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार की थी प्याज और टमाटर और लहसुन की, उसको उसमें डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक इसमें से ऑयल न सेपरेट ना हो तब तक हमें इस ग्रेवी को अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। फिर हम इसमें जो भिंडी भून के रखे थे वो डाल देंगे, थोड़ी सी नमक और डाल देंगे क्योंकि हम थोड़ी सी तरी देंगे हल्की सी, इसीलिए अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे तरी के लिए, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। ये मेरी खोल गई अच्छी तरह से तरी, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दिए। अब हम देख सकते हैं आप, मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करें।